हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और स्टिच लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्टिच है ये, बिल्कुल लेसी सा स्टिच है। और ये देखिए, और बहुत ही जितना आपको खूबसूरत ये लग रहा है, उससे भी ज़्यादा इजी ये बनाना है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन है। इसको आप लेडी स्वेटर पर ट्राई कर सकते हो, कार्डिगन, ये जितना आपको यहाँ पर खूबसूरत दिख रहा है उससे भी ज़्यादा सुंदर ये डिज़ाइन है। जब आप बनाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए, तो चलिए व्यूअर शुरू करते हैं इसको बनाना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। मेरी हर बार यही कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ नया नया लाऊं। तो चलिए व्यूअर शुरू करते हैं इसको बनाना। इस स्टिच को बनाने के लिए पहले तो आप नीटिंग नीडल में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए उतने आप स्टिच लगा लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 21 स्टिचेस लगाए हुए हैं, 21 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। ये बोथ साइड है, दोनों साइड से ये सेम ही दिखता है। ये देखिए, ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, दोनों तरफ से ही एक सेम ही दिखता है ये। अब चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आपने नीटिंग नीडल में 3 से मल्टीप्लाई हो जाए उतने आपने स्टिच लगाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले बताया, मैंने यहाँ पर 21 स्टिच लगाए हैं। उसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए, सिर्फ एक रो में ये डिज़ाइन पड़ता है, वही आपने कंटिन्यू रखना है। अब ये देखिए, पहली रो में आपने क्या करना है, पहला फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरह से। अब हमने धागा आगे करना, आगे की तरफ किया। अब ये दो फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। इस डिज़ाइन की मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर आप इसको, धागा आपका पतला होगा और आप इसको बड़ी मोटे वाली नीडल में बनाओगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा, बिल्कुल लेसी सा ये लगेगा। अब आपने धागा आगे की तरफ किया, अब हमने दो फंदे इकट्ठे बुनने हैं। अब ये देखिए, हमारा यहाँ पर हमने दो बुने और यहाँ पर हमारा बढ़ भी गया एक। अब आगे वाला फंदा फिर से एक सीधा बुनना है, धागा आगे किया और यहाँ पर फिर से दो फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं सीधे। यही आपने कंटिन्यू रखना है। एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा आगे किया, अब यहाँ पर दो फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। अब एक फंदा फिर से आपने सीधा बुना, धागा आगे किया और ये दो फंदे इकट्ठे बुने, फिर से एक फंदा सीधा बुना। इसी तरह से आपने ये पूरा डिज़ाइन कंटिन्यू रखना है। ये रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए, ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट का स्टिच बचा है, वो भी हमने इसी तरह से ही दोनों फंदे धागा आगे की तरफ करके इकट्ठे बुन लेने हैं इस तरह से। ये हो गई इसी। अब इसी तरह से आपने ये पूरा डिज़ाइन बनाना है, दोनों तरफ से सेम है। अब इस तरफ भी आपने इसी तरह से ही करना है, पहला फंदा सीधा बुना और धागा आगे किया, दो फंदे इकट्ठे बुने, जिस तरह से पहली रो हमने की उसी तरह से ये भी रो हमारी पड़ेगी यहाँ पर। इसी तरह से हमने ये भी पूरा कंटिन्यू रखना है, बस वही आपने रो बन ही रिपीट करनी है हर रो में इसी तरह से। अब ये देखिए, इस तरह से आपका ये डिज़ाइन फिर आएगा। तो आशा है व्यूअर्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।